मॉर्निंग. तो फाइनली टाइम आ गया स्टॉकहोम स्वीडन को बाय बाय करने का. बहुत ही अच्छा टाइम बिताया हमने यहाँ पे. ये होटल भी अच्छा था, रूम भी अच्छा था, फ्री की चीजें खाने में बड़ा मजा आया. एनीवे अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मूव करके नॉर्वे. भाई वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन. आई एम सो एक्साइटेड, सुपर सुपर एक्साइटेड. तो गाइज हमने ट्रेन बुक कराई SJ लाइन के थ्रू, जो कि स्टॉकहोम की मेन लाइन है. और अब हम जा रहे हैं SJ लाउंज के लिए. तो चलो SJ लाउंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं. हम उठे हैं जल्दी ना, मुझे लगता नहीं टाइम हमारे पास बचा है. 7:37 की ट्रेन है और 7:04 हो गए ऑलरेडी. ओ शिट, तो फिर हमें भागना चाहिए लगेज उठा के. और बहुत सारा खाना भी तो लेना है कूप से. देखो ट्रेन बुक कराने का ना यही फायदा है, अगर फ्लाइट होती ना इसी जगह हमें 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होता 7:30 की ट्रेन के लिए. बट अभी 7:37 की ट्रेन है और 7 बजे तक हम होटल में है. सारा सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है. तो अब जल्दी से भागते हैं. सबसे अच्छी बात एक और है, होटल से निकलते ही ना ट्रेन स्टेशन है. तो चलो चलते चलते लेट्स गो. अशर चले फिर न्यू कंट्री नॉर्वे. और कल तो आपका बर्थडे है, बर्थडे 8 मंथ्स के हो जाओगे. चलो पापा. भाई तो ट्रेन स्टेशन पहुंच गया और अभी भी स्नोफॉल हो रही है. भाई स्नोफॉल छोड़ के जा रहे हैं हम पहली बार है. कितना अच्छा लग रहा था, लोग स्नोफॉल को पकड़ने के लिए आते हैं. सही में यार, बाय बाय स्नोफॉल. बाय बाय गाइस. पूरा प्लान चौपट हो चुका है. हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं पर लेट हो गए हैं. ना लाउंज जा पाए ना ही कूप जा पाए. तो अभी ट्रेन के बिस्तरों में ही खाएंगे जो भी खाना है. थोड़ा सा प्लान खराब हो गया बट कोई बात नहीं भाई, पहुंच जाए वही बेटर है. चलो दबाते हैं 1. ये अजीब सी लिफ्ट है, इसमें हम पूरे भी नहीं आ पा रहे. हर्ष आएगा अलग. ये देखो अपने आप बंद हो जाती है. अब रॉकेट अप रॉक. अशर आर यू रेडी? बंद हो गई लिफ्ट. ओ भाई डर लग रहा है, अजीब सी लिफ्ट है. अशर मुझे बचा लियो. भाई तो खुद डर रहा है. प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं टाइमली, ट्रेन अभी तक आई नहीं है और हर्ष का वेट हो रहा है. भाई लिफ्ट बहुत स्लो है तो आएगी तो फिर चलते हैं. आजा भाई आजा. आ गया, खुल जा सिम सिम. ओ भाई क्या ठंड है यार. ट्रेन कितनी सुंदर है सामने वाली, वो हैरी पॉटर के जमाने की लग रही है. पहले कहाँ पे ब्रेंडा? ये इधर आई नहीं हमारी ट्रेन. अशर हाय. भाई कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है, ठंड लग रही है यार. इनको तो टक इन करा हुआ है सर को. ये भी अब अपने हाथ नहीं निकाल रहा ना. अब नहीं निकालेगा, इसको पता है भाई ठंड है. और ट्रेन आ गई है, काफी सुंदर ट्रेन है. चलो बोर्ड करते हैं. फाइनली जस्ट इन टाइम ट्रेन चल भी पड़ी है. हर्ष का है, पापा लगेज चेक कर रहे हैं. अशर से बाय बाय स्वीडन बोला आपने? बाय बोला बाय. भाई इतनी कंफ्यूजन हो गई थी ना, हर्ष को समझ ही नहीं आ रहा था कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. और हमारी सीट्स जो थी ना, जो असाइन थी वो कहीं पे मेंशन ही नहीं थी. तो मैंने कहा चढ़ तो सही ट्रेन में, 4 मिनट बचे हैं भाई, हम ऑलमोस्ट मिस कर सकते थे. थैंक गॉड हमें टाइम में मिल गई. एनीवे ट्रेन बहुत अच्छी है भाई, सीट्स एकदम एयरप्लेन वाली सीट्स है, बहुत कंफर्टेबल है. राइड अच्छी रहने वाली है. जर्नी 5.5 घंटे की जर्नी है, उसके बाद हमें एयरपोर्ट के लिए ट्रेन लेनी है. सो चलो हर्ष अभी लगेज सेट कर रहा है. थोड़ा टाइम तो लगता है हमारे लगेज इतना है, तो 5-10 मिनट 15 मिनट तो हमेशा लगेज सेट करे हुए लगता है. कूप से सामान नहीं ले पाए तो अभी ट्रेन के बिस्तरों में कुछ ना कुछ खाएंगे. सो दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन जर्नी. और बहुत ही सुंदर सी स्नोफॉल छोड़ के जा रहे हैं. आई होप नॉर्वे इससे भी सुंदर हो. है ना सर? अच्छा ही होगा मामा. हर्ष लगेज पे लगेज लाई जा रहे, जगह है नहीं रखने की, रखेगा कहाँ? मेरा ऊपर है ना इतना लगेज. बेचारा हर्ष तो थक ही जाता है लगेज मैनेज करने में. स्नोफॉल हो रही है भाई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बर्फ है. अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, स्नो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. और फाइनली हर्ष को स्पेस मिल गई है. उन्होंने बताया कि ये 2 सीट्स तो वेकेंट है, एंड तक ऑस्लो तक कोई नहीं होगा तो हम यहाँ पे अपने बैग्स रख सकते हैं. तो करो यहाँ बैठ जाते. सही है, तू वहीं बैठ जा सकस. एक सैड बात है, बैग सीट के अंदर भी नहीं आ पा रहे, तो तुझे इसको उठा के रखने पड़ेंगे. ये सीट खाली है क्योंकि हर्ष वहाँ बैठ रहा है. बाय हर्ष. भाई इतनी सही सीट है, उसके बाद भी यहाँ पे पुश बैक का ऑप्शन है, मतलब इसको नीचे करो और पुश बैक. भाई मैं तो ट्राई कर रही हूँ, अशर सो जाए क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हुई है. 6 बजे से उठा हुआ है 6:30 से और अभी 8 बज गए हैं. तो भाई 2 घंटे बाद तो सो जाता है ये, तो बस वही वेट कर रहे हैं ना. एक चीज बताऊँ तुझे, मैंने ना देख दुकान लगा दी. ये हमारा खाना सारा तो मुझे कुछ खिला यार, मैं डेट्स लेके आई थी कल, शुक्र है मैंने ले ली. इसने मुझे ट्रिक किया, इसने मुझे बोला ना सुबह हम कूप से ले लेंगे. मुझे पता था सुबह टाइम ही नहीं बचेगा. अभी मैं फोन में दिखाता हूँ कि मेरी क्या क्या प्लानिंग थी, मतलब इतना चौपट हुआ कभी नहीं सोचा था. पर सही है, चलो देर लगी पर अभी सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच गए. तो भाई ये सुबह की प्लानिंग थी, रेसबेरी लानी थी, ब्लूबेरी, फ्रूट प्लेटर, डाइट चिप्स, सैलड लेके आना था, इसमें कॉर्न नूडल्स, पास्ता डालना था, 2 फोर्क लेने थे हमें. हाँ ठीक है, सैलड पाउडर, डाइपर, वेट वाइप, जिंजर ब्रेड, मैग्नेट ना, मैग्नेट भी रह गया स्वीडन का. देखो सबसे ज्यादा बुरा यही लगता है ना, मैं मैग्नेट्स लेती हूँ. नहीं मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैंने अच्छा खासा उठाया था क्रिसमस मार्केट में, इतना सुंदर सा टावर बना हुआ था, गमला स्टैंड. कह रहे नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, छोड़वा दिया. कोई बात नहीं हर्ष, तुझे खुशी होनी चाहिए. सैड यार. तो यार कोई स्टॉकहोम से इंडिया आना, तुम्हारे लिए मैग्नेट ले आना है ना. सीरियसली प्लीज यार. हमारा मैग्नेट रह गया यार. और यहाँ शुरुआत हो चुकी है डेट्स खाने की, सीनरी बहुत सुंदर होती जा रही है. सोच रहा हूँ डेट्स से अशर का दूध भी पी लूँ. वो तेरी चॉइस है. अशर सो गया है और अभी वो बता के गए हैं कि कॉफी और वो मिल जाएगा, हॉट चॉकलेट, तो तू ले आ प्लीज यार. फर्स्ट क्लास में सब कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जाओ जल्दी लेके आओ, तब तक हम ये इंजॉय करें. भाई टोटली वाइट हो चुका है सर बाहर. और हर्ष यहाँ पे मेरे लिए
कॉफी लाते हुए। प्रीति चीजों का मजा ही कुछ और। भाई ट्रेन कभी इस तरह हो जाती है, कभी इस तरह हो जाती है, कभी मैं ऐसे गिर रहा था, कभी मैं ऐसे। पता है ट्रेन की स्पीड कितनी है? कितनी पता नहीं, हवा से बातें कर रही है ट्रेन। बट भाई व्यू बहुत सुंदर है बाहर। चलो कौन है पति? मुझे वैसे हॉट चॉकलेट पीनी है। शेयरिंग? नो। अरे थोड़ी सी ठंडी है, ठंडी अच्छा लग रहा है। अरे वाह भाई, इतना अमेजिंग सन निकला है ना आज, बहुत ही सुंदर दिन है आज। इतने दिनों के बाद एक्चुअल में लाइट देखी है, लाइट। तो एक बार फिर से हर्ष के यहाँ बिस्तर। टी कॉफी तो ले आया था वो कॉम्प्लीमेंट्री वाली, बट अभी मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी तो मैंने बोला सैंडविचेस लिया। और हमारी एक मील हमने इंक्लूड कराई थी बुकिंग के टाइम पे, पैनकेक्स, तो वो भी कलेक्ट करनी है। एंड बहुत तेज की भूख लग रही थी तो सैंडविच आएगा, देखते हैं कैसा है, बताएंगे आपको टेस्ट। बस बाकी जर्नी बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल है, सीट इतनी कम्फर्टेबल है। अशर तो आते ही सो गया, सबसे अच्छी बात यही है। तो अशर सो चुका है तो दिल तो कर रहा है कि मैं भी सो जाऊँ थोड़ी देर, नैप ले लूँ। बट सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है और इतना सुंदर मॉर्निंग हुई है ना, दिल नहीं कर रहा यार आंखें बंद करने का। रेड रेड कलर के प्यारे प्यारे होम्स, ऐसे हाउसेस दिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। शर उठ चुका है और पापा की गोदी में चला गया और यहाँ पे खाना आ चुका है। काफी चीजें लेके आया है ऐसा लग रहा है। अशर के लिए लाया हूँ मैं पैनकेक। भाई ये तो बहुत सही रैप लग रहा है। और ये कोई सैलेड बोल है? हाँ। अच्छा, वहाँ की तेरी अधूरी रह गई ना कामना और पैनकेक्स। बहुत अच्छा बेहतरीन बिस्तर है यहाँ पे, जहाँ से मैं इतना सारा सामान लेके आया। वहाँ मैं शूट नहीं कर पाया तो जाके दिखा दियो बिस्तर। अभी तू खाना खा, अशर को पैनकेक खिला ले। बिल्कुल, अशर का वही शुरू हो गया फिर से सबको देख देख के बुलाने का। देख देख के हंसता है, कहता है बात करो। लड़कियों को ज्यादा बुलाता है पर अशर पूरा लेट गया यार। बात कर लो यार, एंजॉय कर रहे हीरो। As always, ट्रेन का वॉशरूम दिखाने आई हूँ। ये देखो ये बढ़िया है, इसकी जो ये सीट है ना ये बड़ी सही है, कहीं पे भी इतनी गद्देदार नहीं देखी मैंने। और बाकी तो सब नॉर्मल है, काफी स्पेस है यार यहाँ पे। बेबी रूम वाले में एक्चुअल में काफी स्पेस है, टॉयलेट ठीक ठाक है, सब सही है, बेस्ट चाहिए कुर्सी। चलो चले, अशर सर तो हो गया फ्रेश, तो चलो चलते हैं। बता रहे हैं मैं फ्रेश हो गया हूँ। अब हम जा रहे हैं बिस्तरों की तरफ। हर्ष तो दिखाई नहीं पाया बिस्तरों कैसा है। अबे यहाँ पे भी सीट है, बढ़िया है। यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से आप बहुत ही सही व्यू देख सकते हो। भाई मेरे को तो सन देख के बहुत अच्छा लग रहा है आज, सन मून लैंड वाटर सी। हाय भाई, इसे बहुत छोटा है ना। हाँ। जिसमें पिछली वाली ट्रेन में बैठे थे वो काफी बड़ा। चलो देखते हैं, सच में तो सही कह रहा था यार, जगह तो बहुत ही कम है, बहुत कंजेस्टेड। अभी तो पता है बंदे कम है, जब मैं स्टार्टिंग में लेने आया था ना बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। भाई मैं तो अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रही हूँ और ये मैंने अपने लिए बना ली हॉट चॉकलेट। ट्रेन डिले हो गई है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स डिले, 45 मिनट्स डिले। और बहुत ही ब्राइट है आज बाहर। चलो पहुंचते हैं उसको। और मैं यहाँ टाइम पास करते हुए। तो गाइस जर्नी कुल मिला के काफ़ी अच्छी रही और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। अशर भी सोता रहा, टाइमिंग सही रहा आई थिंक। अब से अगली बार से अगर ट्रेन लेंगे तो मॉर्निंग में लेंगे। और सीट के बहुत सारे फीचर्स थे जो हमने एक्सप्लोर नहीं करे, बट थोड़ी सी डेटेड ही है, मतलब इतनी न्यू नहीं है। और जो पुशबैक है वो वाली बड़ा पुराने स्टाइल का है। और पावर पॉइंट्स हैं सीट पे वो भी मतलब पुराने ही लग रहे हैं। बट जो भी है, ऑल इन ऑल बहुत अच्छी ट्रेन राइड थी, बहुत अच्छी जर्नी थी, मज़ा आ गया ऑस्लो पहुंचने में। अभी ऑस्लो देखने की बहुत एक्साइटमेंट है, कल गाड़ी कलेक्ट करने की बहुत एक्साइटमेंट है। अब बहुत ही एपिक रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, सो स्टे ट्यून। और फाइनली बाय बाय ट्रेन। अशर हर्ष अगली ट्रेन का पता कर रहे हैं एयरपोर्ट तक की आने वाली है ट्रेन। टिकट है नहीं, पूछना पड़ेगा टिकट कहाँ से लेनी है। ट्रेन बहुत सुंदर थी यार, अब पता लग रहा है, अब टाइम मिला एक्चुअल में देखने का। हर्ष गया है वहाँ से टिकट्स कराने एयरपोर्ट की। और ये ट्रेन स्टेशन इतना मैजिकल से बनाया हुआ है इन्होंने, बड़ा ही सुंदर है यार। टिकट्स लाने में टाइम लग रहा है। अशर को मैं यहाँ से ये दिखा रही हूँ, वो गाड़ी देखी थी, क्यूट है, इसमें बैठ के चले हम क्रिसमस मनाने। और हम पहुँच गए हैं ओस्लो पार्क इन बाय रेडिन, बहुत ही सुंदर सा होटल। चेक इन का टाइम हो गया है, अशर के लिए बड़े बड़े गिफ्ट पड़े हैं यहाँ पे। हाँ, पर हम सुबह ही निकल जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके लेट्स गो। और फाइनली अशर पहुँच गया है ओस्लो। भाई तक खुश है ये पहुँच के, क्या है सुबह से अब मुझे ना आजादी मिली है, अब मैं घूमूंगा नीचे, मस्ती करूंगा यहाँ से बैठ। तो चलो फिर अशर आउटरो कर दो। ओके गाइस बाय बाय, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, कल मैं ट्रॉम से जा रहा हूँ गाड़ी में, बहुत मजा आएगा, फ्लाइट लूंगा गाड़ी लूंगा। अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए वीडियो को, व्यू दिखा दो मम्मा एक बार बाहर का। और ये है व्यू। ओके गाइस बाय।